जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास, राइट? सो देखो, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किया था. यस सर, बिल्कुल किया था, ठीक है. और हमने अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो स्टार्ट कर दी थी, विच इज लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो में हमारी दो रेशियोज आती हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, सब एक ही है, राइट? करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, बिल्कुल सही. तो इसका जो भी पूरा कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, आइडियल रेशियो सब कुछ कवर हो गया था. लिक्विड रेशियो में क्या आता है वो भी हमने कवर कर लिया था. आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको आज कराऊंगा दोनों रेशियोज के टॉप 10 क्वेश्चंस, राइट? टॉप 10 क्वेश्चंस मतलब आपके बुक में अराउंड 20-22 क्वेश्चंस हैं, हाँ या ना? ठीक है, टी एस ग्रेवल की बात कर रहा हूँ मैं. तो मैं आपको कराने वाला हूँ 10 क्वेश्चंस, ठीक है, दोनों के मिला के, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो को मिला के, सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा. जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है. बस इसके बाद लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, राइट? उसके बाद सॉल्वेंसी, देन एक्टिविटी एंड देन टर्नओवर, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. आ जाओ फटाफट से, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर वन एवरीवन. देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे है, आ जाओ देखो. हाँ जी, क्या कह रहा है सर ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट रेशियो. तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले जब भी आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो जो भी रेशियो आपसे पूछी गई है, एनी रेशियो, राइट, जो भी रेशियो आपसे पूछी गई है उसका फॉर्मूला लिखेंगे. कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सर, करंट एसेट्स, ये सर, अपॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज. करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है सर, ठीक है. इसके बाद देखो, आ जाओ आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है बहुत सारी चीजें. बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि मुझे ये दो चाहिए. क्या चाहिए? करंट एसेट चाहिए, हाँ जी, और करंट लाइबिलिटीज चाहिए. आपको दिया क्या हुआ है वो समझते हैं. टोटल एसेट्स नहीं चाहिए, फिक्स्ड टैंजिबल एसेट नहीं चाहिए, शेयर होल्डर फंड्स नहीं चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं चाहिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. अरे सर, कहाँ है करंट एसेट, कहाँ है आपकी करंट लाइबिलिटी? तो बेटा अब हमको निकालना है, और उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज सिखाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको कोई फॉर्मूलाज याद नहीं करने पड़ेंगे. सर क्या सिखाने वाले हो, आ जाओ सर, मैं आपको याद दिला दूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट. ओहो सर, हमको आता है? अच्छा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, हाँ आ जाओ जरा. देखो देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट की बात करता हूँ, ठीक है, देखो बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है. वाह क्या बात बोलिए सर, ठीक है, ये हो गई लाइबिलिटीज, यस सर यस, और ये हो गई एसेट्स, हाँ जी सर पता है. लाइबिलिटीज में आपका क्या क्या आता है बेटा, यस सर नो, क्या क्या आता है? ठीक है देखो, अगर हम कंपनीज वाली बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं सर, कंपनीज वाली बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे आपका आएगा शेयर होल्डर फंड्स. बोलो यस सर नो, क्या आएगा सर? शेयर होल्डर फंड्स. तभी मैंने कहा था पहला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डर फंड्स, हाँ जी. इसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वारंट्स, वो सब चीजें, राइट. उसके बाद आपका आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो कि यहां पे रेलेवेंट नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है. देन सर आपका आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, राइट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब चीजें, ठीक है. देन आता है करंट लाइबिलिटी, मेन हमारी यही चीज है, मेन अगर मैं देखूँ तो हमारी यही चीजें, राइट. एसेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आता है सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. क्या मैं बोल सकता हूँ फिक्स्ड एसेट्स, सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा, सिंप्लीफाई करने के लिए, हाँ सर हाँ. आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, हाँ, टैंजिबल इनटैंजिबल वो सब चीजें, ठीक है. देन उसके बाद आता है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्या आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. इन दोनों को हम क्या बोलते थे सर, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों को कंबाइन करके बेटा हम क्या बोलते थे, इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते थे नॉन करंट एसेट्स, है ना. हमारे एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉन करंट एसेट्स और एक हमारा करंट एसेट्स, और एक यहाँ आ गया हमारा करंट एसेट्स, ठीक है सर, ठीक है, समझ गए, यस, ऑल राइट सर, ऑल राइट. यही चीजें होती है बैलेंस शीट में मोटा मोटी, यस सर, बिल्कुल सही. लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स हो गए, ठीक है, जो शेयर कैपिटल वगैरह है. नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गई, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो सब चीजें, और करंट लाइबिलिटीज हो गई, ठीक है. यहाँ का जो टोटल होगा, जो हमारा इस साइड का टोटल आएगा बेटा, वो हमेशा आपके इस साइड के टोटल से मैच करेगा. ऑफकोर्स भाई, बैलेंस शीट इसको एक रीजन की वजह से बोलते हैं, यस नो, दोनों साइड इसकी हमेशा मैच करेगी, बिल्कुल सही बात है. तो इसका मतलब ये फॉर्मेट आपको समझ में आता है, हाँ सर ये फॉर्मेट मुझे जरूर समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है. तो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे. मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको लेट से यहाँ पे क्या गिवन है सर, टोटल एसेट्स, आपको ये टोटल एसेट्स गिवन है, ये आपका टोटल एसेट्स है, क्या है आपका
टोटल एसेट्स, हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है फिक्स्ड टैंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बेसिकली आपको क्या गिवन है बेटा, ये फिक्स्ड एसेट्स मान लो, ठीक है। यहाँ पे टैंजिबल इनटैंजिबल अलग से गिवन नहीं है, तो फिक्स्ड एसेट्स मान लो, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ये आपको गिवन है, ओके। तो आपको टोटल एसेट्स गिवन है, हाँ सर हाँ। आपको फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, हाँ जी बिल्कुल। आपको गिवन है शेयर होल्डर फंड्स, अच्छा ये भी गिवन है, आपको शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, ठीक है ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज भी गिवन है, वेरी गुड। और बेटा आपको गिवन है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वाह जी वाह, आपको ये भी गिवन है, वाह सर ऑलमोस्ट सब गिवन है, लेकिन जो चाहिए बस वही नहीं दे रखा है ना सर, हमको चाहिए करंट लाइबिलिटी, हाँ सर हाँ, करंट एसेट, इसको छोड़ के सब दे रखा है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं, बहुत बहुत तरीके हैं निकालने के। सबसे पहला तरीका मुझे एक बात बताओ, अगर आपको टोटल एसेट्स गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पे, हाँ सर हाँ 20 लाख, तो बेटा अगर इसका टोटल 20 लाख है तो क्या इसका टोटल भी 20 लाख होगा? ऑफकोर्स सर, कैसी बातें कर रहे हो, ऑफकोर्स ये सुनो, ठीक है बेटा आप सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। अगर आपको ये टोटल गिवन है, ठीक है, आपको शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, अच्छा ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज गिवन है, तो क्या करंट लाइबिलिटी नहीं निकल जाएगी? ओ माय गॉड, हाँ सर हाँ, बात तो सही कर रहे हो आप कि भाई अगर मेरे को शेयर होल्डर फंड्स पता है, बताओ बताओ कितने है? आप बता ही दो, चलो कितने है सर, कितने हैं आपके हैं? 12,80,000, ठीक है, दिस इज 12,80,000, राइट, ओके सर ओके। देन आपको क्या गिवन है, और देखो आपको गिवन है नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये 5,20,000 गिवन है, हाँ सर गिवन है, अच्छा ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड्स और आपका नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों को प्लस कर देंगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 18 लाख, है ना, हाँ सर 18 लाख, इन दोनों को मिला के 18 लाख आ रहा है, और करंट लाइबिलिटी को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 20 लाख। तो बेटा इसका मतलब ये 2 लाख हो गया, बोलो हाँ या ना, अरे हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया, निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया, क्या कुछ मुश्किल था, नहीं। सिमिलरली बेटा करंट एसेट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको टोटल एसेट्स, ठीक है, फिक्स टैंजिबल एसेट कितना है सर, 10 लाख, ठीक है ये लिखो यहाँ पे, कितना है सर, 10 लाख, ऑल राइट। देन उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, 6 लाख। अब बेटा अगर आपको फिक्स एसेट गिवन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है, बिल्कुल सही, तो क्या करंट एसेट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं, 20 लाख, बिल्कुल सही, 20 लाख, ये दोनों हो गए 16 लाख, तो ये कितना हो गया, 4 लाख, राइट। अब क्वेश्चन आता है सर क्या हमको आंसर्स भी ऐसे ही प्रेजेंट करने हैं? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, इसको मैं सिंपली फॉर्मूलेज में भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, हाँ सर हाँ, जैसे सर देखो बहुत सारे फॉर्मूलेज बन जाएंगे बेटा, बहुत सारे, जितने फॉर्मूलेज बनाने हैं उतने बना लो। जैसे सर अगर मैं पहली बात करता हूँ जैसे शेयर होल्डर फंड्स, क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी, ये किसके इक्वल होते हैं, दिस इज टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यस और नो। हमारी जो पहली हेडिंग थी, मैंने यहाँ पे सिर्फ लाइबिलिटीज लिखा, इसको हम लिख लेते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, है ना। बैलेंस शीट याद है कि नहीं है, भूल तो नहीं गए, पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट था, नहीं देखा है तो जाके देख लो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, बिल्कुल सही। अगर बेटा कई बार आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा टोटल डेट, क्या गिवन होगा, टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब होता है लाइबिलिटीज, क्या मतलब होता है बेटा, डेट मतलब कर्जा चढ़ा हुआ है, डेट इज कर्जा, लाइबिलिटीज। तो टोटल डेट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी, सिंपल सी बात है, हाँ सर हाँ, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सिमिलरली बेटा अगर मैं एसेट्स का बनाऊं, किसका सर, एसेट्स का, तो क्या बनेगा आपका, नॉन करंट एसेट, बिल्कुल, प्लस आपका करंट एसेट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, बिल्कुल सही बात है, अरे बिल्कुल परफेक्ट बात है। अब नॉन करंट एसेट्स में कई बार आपको अलग अलग गिवन होगा, जैसे यहाँ पे गिवन था फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्या यही आते थे नॉन करंट एसेट्स में, हाँ सर हाँ। अगर आपको याद हो कि नॉन करंट एसेट्स में आपके क्या क्या आते हैं, फिक्स एसेट्स और आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सही बात है, और प्लस करंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट्स, क्या कोई मुश्किल है? नहीं बेटा, बैलेंस शीट तो सबको ही आती है ना, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है ये तो सबको पता है ना। अगर आपको बैलेंस शीट आती है तो फॉर्मूलेस याद क्यों करने हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूलेस तो वहीं से निकल रहे हैं, ये प्लस वो माइनस ये प्लस, जितनी मर्जी कोशिश कर लो फॉर्मूलेस याद नहीं होंगे, लेकिन समझ लो क्योंकि बन कैसे रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं फॉर्मूलेस, तो दिक्कत नहीं होगी, आ जाओ। सिमिलरली बेटा मैं एक और बना सकता हूँ, एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, आपको पता है टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स सेम होते हैं, हाँ सर हाँ। तो एक फॉर्मूला बन गया, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज,
इक्वल होंगे टोटल एसेट्स के, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अरे जितने मर्जी फॉर्मूले बनाना चाहो बना सकते हो भाई, जितने मर्जी। सर जैसे जैसे बेटा देखो, मान लो आपको करंट एसेट निकालना है, क्या निकालना है करंट एसेट, बाकी सब कुछ दे रखा है तो निकाल लेंगे। अगर सब कुछ दे रखा है करंट एसेट निकालना है तो निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे बेटा हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने क्या किया, आपको यहाँ पे टोटल एसेट्स गिवन है, हाँ सर हाँ, हमको फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, बिल्कुल, तो करंट एसेट आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आपको शेयर होल्डर फंड्स गिवन है, नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, तो करंट लायबिलिटी आ गया, समझ रहे हो बात को, बस आंसर आ जाएगा। करंट एसेट्स आपके कितने आ रहे हैं, 4 लाख, अरे बेटा अभी निकाले हैं, हाँ या ना, और करंट लायबिलिटी आपकी आ रही है 2 लाख, तो रेशियो क्या हो गया 2:1। आसान है या नहीं है, बस आंसर को आपको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको किया है, आंसर आपको इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करके निकालना है। जैसे अगर इस आंसर की मैं बात करता हूँ तो आप क्या करोगे, इस आंसर में क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे करंट एसेट। कैसे निकालेंगे, सिंपल है कि भाई आपको टोटल एसेट्स गिवन है, बिल्कुल सही बात है, टोटल एसेट्स गिवन है इज इक्वल्स टू, आपको पता है जो आपके नॉन करंट एसेट है प्लस आपके करंट एसेट, सही है, हाँ सर हाँ, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट का प्लस करके टोटल एसेट आते हैं, तो टोटल एसेट्स आपको गिवन है 20 लाख के, बिल्कुल सही। अब नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं, हाँ बेटा दे रखे हैं, देखो कितने के, 10 लाख के, 10 लाख के, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, कितने की, 6 लाख की, तो क्या करंट एसेट नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कितना, 4 लाख, बोलो हाँ या ना। बस यही है अकाउंटिंग रेशियो, बहुत आसान चैप्टर है यार, बहुत ही ज्यादा आसान, समझ गए। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले डिराइव कैसे करने हैं, याद नहीं करने, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन। अब इसमें भी ऐसे ही फॉर्मूले आपको बनाने पड़ेंगे, कैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा ध्यान से समझते हैं। वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है, क्या आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था, हाँ जी सर, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, बोलो हाँ या ना, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल सही, ये आपको पता है, ठीक है। अब आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, करंट रेशियो, और करंट रेशियो निकालने के लिए मुझे करंट एसेट चाहिए, हाँ सर हाँ, और करंट लाइबिलिटी चाहिए, वो तो गिवन ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो क्या गिवन है, टोटल डेट, क्या गिवन है, टोटल डेट, टोटल डेट का मतलब क्या था, आपका नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस आपका करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी, ये सुनो, टोटल कर्जा नॉन करंट प्लस करंट, हाँ जी 27 लाख, और फिर आपको दे रखा है नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब समझ रहे हो कैसे करना है, देखो देखो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, सबसे पहले मैं निकालूंगा करंट लाइबिलिटी, क्योंकि वो मुझे दे ही रखा है। देखो यहां पे आपको दे रखा है टोटल डेट, यस, टोटल डेट का मतलब क्या हो गया सर, हमारा करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, करेक्ट, हाँ जी करेक्ट, टोटल डेट कितना है 27 लाख, ऑल राइट, करंट लाइबिलिटी, अरे यही तो चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटी 24 लाख, तो क्या बेटा आपका करंट लाइबिलिटी आ गया, हाँ आ गया सर, कितना, 3 लाख, 27 माइनस 24, हाउ मच, 3 लाख, इजी इजी। अब चाहिए करंट एसेट, अब मुझे एक बात बताओ, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करके क्या मैं करंट एसेट निकाल सकता हूँ, यस बेटा यस, आ जाओ, देखो ध्यान से देखो कि भाई वर्किंग कैपिटल आपका कितना है, 6 लाख, ठीक है, करंट एसेट यही तो चाहिए, करंट लाइबिलिटी कितना है, 3 लाख, बहुत बढ़िया, ये वहां जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो करंट एसेट विल बी 9 लाख, कितना हो गया, 9 लाख, इजी, हाँ ये आपको कहाँ दिखाना है सर, वर्किंग नोट में, ये आपके क्या बन जाएंगे, वर्किंग नोट्स, बिल्कुल सही। उसके बाद मैं मेन आंसर पे आ जाऊंगा कि भाई करंट रेशियो इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखना पूरा, करंट एसेट अपॉन करंट लाइब्रेरी, करंट एसेट इज 9 लाख, करेक्ट सर करेक्ट, नाउ करंट लाइब्रेरी इज 3 लाख, बिल्कुल सही, आंसर इज 3:1। क्या मुश्किल है, अरे कहाँ से मुश्किल है ये बेटा, किस एंगल से मुश्किल है, लिक्विडिटी रेशियोज तो बहुत ही आसान है, बाकी भी बहुत आसान है, समझ रहे हो, ये सुनो, आ जाओ, क्लियर हो गया, ये सुनो, क्या कोई ज्यादा दिमाग लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना यार, हाँ या ना, 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड पे आते हैं, आओ फटाफट से, अरे थर्ड क्वेश्चन देखो, छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, अरे ये तो छोटा सा लग रहा है सर, क्वेश्चन तो छोटे ही हैं, देखो ठीक है, आ जाओ, आपको क्या क्या गिवन है, अच्छा करंट रेशियो आपको गिवन है, मैंने कहा था आपको हर टाइप के क्वेश्चन में आपको करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, 10 क्वेश्चन करेंगे और पूरी लिक्विडिटी रेशियो खत्म, ठीक है, आ जाओ,
हाँ जी आपको करंट रेशियो गिवन है, अच्छा करंट रेशियो गिवन है, ओके वर्किंग कैपिटल गिवन है, अच्छा निकालना क्या है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। भाई बस प्लस माइनस का खेल है, मल्टीप्लाई डिवाइड और कुछ नहीं। देखो करंट रेशियो आपको 2.5 है, ओके करंट रेशियो का मतलब हो गया करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, ये सब वर्किंग नोट में करना जो भी आपको फॉर्मूलेस बनाने हैं, ठीक है इज इक्वल टू 2.5। हाँ सर हाँ, एक चीज़ तो ये गिवन है, अच्छा इससे तो कुछ होने रहा ना, तो अपने पास करंट एसेट है ना ही करंट लाइबिलिटी, ठीक है दूसरी चीज़ ट्राई करते हैं, आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, वर्किंग कैपिटल कितना है 1,50,000, अच्छा ठीक है इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यहाँ भी कुछ गिवन नहीं है नहीं। लेकिन बेटा इतनी बेसिक मैथ्स सबने पढ़ी है, क्या पढ़ी है देखो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ, क्या लिख दूँ कि करंट एसेट इज इक्वल्स टू, अगर ये ऊपर चला जाए 2.5 मल्टीप्लाई बाय करंट लाइबिलिटी, तो कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो ना, क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 2.5 है, हाँ तो करंट लाइबिलिटी आपका नीचे से ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, 2.5 इंटू सी एल, तो बेटा बस हो गया ना आंसर। ये देखो 1,50,000 इज इक्वल्स टू करंट एसेट की जगह मैं अब क्या लिख सकता हूँ कि भाई मेरा करंट एसेट इज एक्चुअली 2.5 मल्टीप्लाई बाय सी एल, करेक्ट माइनस सी एल, अरे हो गया कैसे? देखो 1,50,000 इज इक्वल्स टू 2.5 सी एल माइनस सी एल कितना आ जाएगा 1.5 सी एल, अरे इतना तो आना चाहिए ना मैथ, ये सुनो 2.5 सी एल माइनस, ये सी एल का मतलब क्या है 1 सी एल, हाँ है ना यही मतलब है 2.5 सी एल माइनस 1 सी एल 1.5 सी एल, हाँ अब अगर मुझे करंट लाइबिलिटी निकालना है तो क्या होगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ गया 1 लाख, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ सर हाँ, क्या आ गया करंट लाइबिलिटी। अब इसी का यूज करके हम क्या कर लेंगे सर, करंट एसेट निकाल लेंगे, कैसे सर कैसे बेटा, करंट एसेट आपने खुद बताया क्या था 2.5 मल्टीप्लाई बाय सीएल, तो 2.5 और सीएल कितना है 1 लाख, ऑल राइट सर ऑल राइट समझ गए, कितना आ जाएगा ये 2,50,000, अरे इसमें क्या है अकाउंट्स से ज्यादा, इसमें तो मैथ्स यूज हो रही है, ये सुनो और वो भी बेसिक मैथ्स, है ना बच्चे कहेंगे सर हमारे पास मैथ्स नहीं है, बेटा ये वो भी मैथ्स नहीं है, यहाँ पे आपका 11th 12th का इंटीग्रेशन नहीं लग रहा है, ये सुनो जिससे आप चकरा जाओ, नहीं बहुत ही बेसिक मैथ्स है भाई, यहाँ से ऊपर नीचे प्लस माइनस करना है बस, समझ में आ गया, आसान था ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं आपको बस ये सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है बाकी तो आप कर ही लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, आ जाओ। करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी वर्थ 1,75,000, शुक्र है कुछ तो दिया है हमको सर, करंट लाइबिलिटी गिवन है ठीक है, एंड करंट रेशियो वाज 2:1, वाह मेरे पास करंट रेशियो है, अच्छा करंट लाइबिलिटी है, अच्छा इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर, अच्छा कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट, अच्छा अभी ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, देखो देखो हुआ क्या है सर, मैं यहाँ लिखता हूँ बिफोर पेमेंट, क्या लिखता हूँ बिफोर पेमेंट, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा आपके पास करंट लाइबिलिटी है कितनी सर, मेरे पास है 1,75,000, राइट मेरे पास करंट रेशियो है कितनी सर 2:1, ओके फिर ये क्या बोल रहा है, अब क्या हुआ ये डेटा आपको दिया हुआ, इसके बाद आपको क्या बोला है कि आपने 30,000 पे करे हैं किसको, क्रेडिटर को, अच्छा और आपसे पूछा गया बताओ इस ट्रांजेक्शन के बाद मेरी करंट रेशियो क्या रहेगी, तो आसान है करंट रेशियो निकालने के लिए मुझे मेरे पास करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी होनी चाहिए, हाँ करंट लाइबिलिटी मेरे पास कितनी है 1,75,000, करंट रेशियो है 2:1, क्या मैं करंट एसेट निकाल सकता हूँ, हाँ सर हाँ भाई, करंट रेशियो का मतलब होता है सी ए अपॉन सी एल, कितना दे रखा है आपको 2:1, 2:1 मतलब 2:1 का मतलब नॉर्मल 2 होता है, हाँ सर हाँ ठीक है 2 दे रखा है, करंट लाइबिलिटी भी आपको दे रखी है 1,75,000, तो बेटा करंट एसेट कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1,75,000, सही बात है, तो करंट एसेट कितना हो गया सर, बेटा जो मैं सी ए लिख रहा हूँ ठीक है, कि आपको एग्जाम में नहीं लिखना है आपको पूरा लिखना है, अभी तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करने, 3,50,000 दिस इज माई करंट एसेट, ये सर डेटा जो है मेरे पास, करंट लाइबिलिटी 1,75,000, करंट एसेट 350, दिस इज बिफोर द पेमेंट, अब क्या हुआ सर, अब मैंने पेमेंट कर दी, अब मैंने 30,000 रुपीज की पेमेंट करी है, दिस इज आफ्टर पेमेंट, और आपसे बोला गया कि बताओ आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो क्या आएगी, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आप 30,000 पे कर रहे हो क्रेडिटर को, किसको क्रेडिटर को, तो आराम से सोच के बताओ इसका इफेक्ट क्या आएगा,
इसका इफेक्ट क्या आएगा? आसान है भाई, मेरे पास करंट एसेट पहले कितने हैं? 3,50,000। अगर मैं 30,000 पे कर रहा हूं तो क्या मेरा कैश कम हो रहा है? हो रहा है, हाँ सर हाँ। अगर मेरा कैश कम हो रहा है तो कैश करंट एसेट है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो 30,000 से मेरा करंट एसेट कम हो जाएगा, कितना आ गया सर? 3,20,000। हाउ मच सर, हाउ मच? 3,20,000। ईजी, यस। अगर बात करें करंट लाइबिलिटी की तो पहले थी 1,75,000। अब क्योंकि आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, क्या करी है सर? क्रेडिटर को पेमेंट करी है, तो बेटा आपकी लाइबिलिटी कम हो गई ना, कर दी ना पेमेंट, हाँ, तो लाइबिलिटी भी कम हो गई। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, राइट? 1,45,000। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बस निकालो करंट रेशियो, करंट एसेट 3,20,000, यस सर यस, करंट लाइबिलिटी 1,45,000। ओ माय गॉड, इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, इसको सर हम डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? अब ये कुछ आपका डेसिमल में आ रहा है, तो आपको जो रेशियोज है वो दो डेसिमल तक लिखनी है, ठीक है? 2.21 अप्रॉक्सीमेटली, कितना आ रहा है सर? 2.21 अप्रॉक्सीमेटली। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, देखो फटाफट से एक बार दोबारा देख लो। आपको क्या बोला था? करंट लाइबिलिटीज 175,000 आपके पास है, 175,000 की लाइबिलिटी आपके पास है, करंट रेशियो भी 2:1 है, ठीक है? तो इसका मतलब 2:1 रेशियो, इसका मतलब करंट एसेट मेरे पास कितने हैं? 350, ठीक है? आपने क्या करे, 30,000 पे कर दिए क्रेडिटर को, और आपसे पूछा गया है इस ट्रांजेक्शन के बाद मेरी करंट रेशियो क्या होगी, ओके? अब अगर आपने 30,000 पे करे तो इसका मतलब आपके करंट एसेट कम हो गए, 30,000 से कितने हो गए सर? 320। आपकी करंट लाइबिलिटी पहले 175 थी, हाँ। अगर आप बेटा 175 में से 30,000 माइनस करोगे तो 145 ही आएगा ना, हाँ। अगर आप लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो लाइबिलिटी कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है। तो बस 3,20,000 डिवाइड बाई 145, 2.21 अप्रॉक्सीमेटली। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ईजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, अब इसको मार्क करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, हाँ जी, क्यों है इंपॉर्टेंट अभी बताता हूँ बेटा, अभी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मुश्किल मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ करंट एसेट 3,00,000 रुपीज के आपके करंट एसेट है बेटा, ये ब्रैकेट है, माइनस का साइन नहीं है, ब्रैकेट है, ठीक है? टू करंट लाइब्रेरीज 1.5:1, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि भाई अगर मेरे करंट एसेट 3,00,000 के हैं, करंट लाइब्रेरीज 2,00,000 की है, तो रेशियो 1.5:1 आएगा, ठीक है? नाउ अब आपको बोला गया द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग अ करंट एसेट अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। अब आपको पता है आइडियल रेशियो 2:1 होती है, तो वो क्या बोल रहा है यार, 1.5 है यार, कम है, नहीं मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 2:1 चाहिए। अच्छा ठीक है, बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, वो कह रहा है मुझे अपनी करंट रेशियो 2:1 तक लेकर आनी है, और वो कैसे लेकर आएगा? वो कह रहा है मैं अपनी कुछ लाइबिलिटीज पे कर देता हूँ। उसको क्या लग रहा है कि जब वो अपनी करंट लाइबिलिटी को पे करेगा तो उसकी करंट रेशियो 2:1 हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटी दैट शुड बी पेड, आपसे पूछ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा, वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ यार, आप लोग बताओ कि भाई कितनी लाइबिलिटी पे करूं कि रेशियो 2:1 हो जाए। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन बेटा ये है कि आपको पहले एक डेटा गिवन है, और वो डेटा है क्या सर, कि आपके पास करंट एसेट है। अच्छा ठीक है, कितने के? 3,00,000 रुपीज़ के। ऑल राइट, आपके पास करंट लाइबिलिटी है सर, कितने की? 2,00,000 रुपीज़ की। ऑल राइट, और इसीलिए आपकी करंट रेशियो 1.5:1 है, ठीक है? अकाउंटेंट जो इस बिजनेस का, इस फॉर्म का अकाउंटेंट है, वो कह रहे नहीं मेरे को 1.5:1 नहीं चाहिए, मेरे को 2:1 चाहिए, आइडियल चाहिए। अच्छा ठीक है, कैसे आएगी? उसको लगता है कि करंट लाइबिलिटी की पेमेंट कर दूंगा तो आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है कितनी पेमेंट करूं कि आ जाए। सर कैसे करेंगे यार, आसान है, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो जब आप लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो इसका मतलब बेटा आपका करंट एसेट कम होगा। अगर आप अपनी करंट लाइबिलिटी पे कर रहे हो तो क्या आपका करंट एसेट कम होगा? हाँ सर हाँ। अगर आप अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो क्या करंट लाइबिलिटी भी कम होगी? हाँ। अरे अभी तो कर आए हैं बेटा। अगर आप मान लो अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हो, किसकी सर? क्रेडिटर्स की। अच्छा, तो कैश कम हो जाएगा, मतलब करंट एसेट कम हो जाएगा। हाँ, और क्योंकि मैंने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी है तो भाई मेरी लाइबिलिटी भी तो कम हो गई, क्रेडिटर्स कम हो गए, करंट लाइबिलिटी कम हो गई। हाँ, बात समझ रहे हो? तो अगर मैं कुछ भी पेमेंट करूंगा तो इफेक्ट तो यही आएगा। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। इसका मतलब सर, अगर मेरे पास अभी करंट एसेट 3,00,000 है, हाँ ठीक है, यहां मैं क्या लिखता हूँ, देखो यहां मैं लिखता हूँ लेट अमाउंट टू बी पेड
एज एक्स, सर हमेशा एक्स क्यों बीच में आता है? कोई भी ले लो बेटा, कोई भी ले लो। अच्छा ठीक है ठीक है, राइट। हम मान लेते हैं कि आपने जो पेमेंट करी है एक्स पेमेंट करी है, एक्स रुपीज की पेमेंट करी है। अब इससे क्या होगा कि भाई करंट एसेट जो आपके 3 लाख के थे वो कम हो जाएंगे माइनस कितने से सर, जितनी आपने पेमेंट करी है। हाँ या ना भाई, जितनी भी आपने पेमेंट करी है उतने से करंट एसेट कम हो जाएंगे डिवाइडेड बाय आपकी करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपीज की है। हाँ सर हाँ, जितनी भी पेमेंट करी होगी उतने से आपकी करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी। हाँ, और रेशियो कितनी आ जाएगी सर, 2:1, 2:1 मतलब 2, 2:1 मतलब ऑफ कोर्स 2। यस सर यस, बात समझ में आई, हो गया क्वेश्चन, कर लो सॉल्व इसको, इसको ले जाओ न्यूमरेटर में आ जाओ। अरे सर ये तो कितना आसान था, अरे बेटा बहुत आसान था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 लाख माइनस एक्स। आपके लिए मैं प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख कितना हो गया 4 लाख, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स माइनस 2 एक्स इज इक्वल्स टू 3 लाख माइनस एक्स, सिंपल। हाँ सर सिंपल, अब सुनो ध्यान से, अगर 3 लाख को इस साइड ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 लाख माइनस 3 लाख। अरे इतना सॉल्व तो कर लो यार, अब अगर आप नॉन मैथ्स वाले हो तब भी करो। माइनस एक्स, अगर ये 2x वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x, ये सब आता है ना। हाँ सर हाँ, बस हो गया सॉल्व। 4 लाख माइनस 3 लाख कितना होता है, 1 लाख, यस सर यस। और माइनस एक्स प्लस 2x कितना होता है, x। तो इसका मतलब बेटा आपका x कितना आ रहा है, 1 लाख। इसका मतलब आपको जो पेमेंट करनी चाहिए वो कितनी करनी चाहिए, 1 लाख रुपए की पेमेंट कर देनी चाहिए। सर प्रूफ करके दिखाऊं, प्रूफ करके दिखा दो, देखो 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 बेटा देखो, अब करंट एसेट आपके कितने हो जाएंगे, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आंसर आपका यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। हाँ जी, करंट एसेट आपके कितने हो जाएंगे, 3 लाख थे, 1 लाख की पेमेंट कर दी, कितने हो गए, 2 लाख। हाँ जी, करंट लाइबिलिटी पहले 2 लाख थी, हाँ जी, अगर 1 लाख की पेमेंट कर दी कितनी हो गई, 1 लाख। अरे ये तो कितना आसान था, हो गया 2:1, ईजी, वेरी ईजी, बोलो हाँ या ना। हमने बेटा 5 क्वेश्चन कर लिए और सारे ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, मजा आया होगा आपको, ठीक है। लेट्स मूव टू द 6th वन एवरीवन, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को रीड करो, फटाफट से क्वेश्चन को रीड करो। हाँ जी देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ 5 लाख रुपीज, ठीक है, इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख। अच्छा ये बोल रहा है कि भाई देखो करंट एसेट 5 लाख रुपए के पहले थे, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आपने लाइबिलिटी की पेमेंट करी है 1 लाख रुपए की और करंट रेशियो फिर 2:1 हो गई। ध्यान से सुन लो मेरी बात, सुनो बेटा, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डेटा पहले का कौन सा है, बाद का कौन सा है। देखो बेटा, बिफोर पेमेंट, बिफोर पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, बिफोर पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज आपके पास करंट एसेट 5 लाख रुपए के थे। अच्छा तो ये करंट एसेट आपके पहले के हैं, पेमेंट करने से पहले के, अ फर्म हैड करंट एसेट्स, ठीक है, इट पेड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 1 लाख, ठीक है, इसका मतलब आफ्टर पेमेंट, आफ्टर पेमेंट, ओके, ऑफ करंट लाइबिलिटीज। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से सुन लो, जब आपने करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करी तो आपकी करंट रेशियो 2:1 हो गई, लाइबिलिटी की पेमेंट करने के बाद 1 लाख रुपए की पेमेंट करने के बाद रेशियो क्या हो गई, 2:1। अच्छा ठीक है, इसका मतलब देखो, जब आपने करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करी होगी, पहली बात तो आपके करंट एसेट कितने हो गए होंगे, कितने हो गए होंगे सर, 4 लाख। अगर पेमेंट करने से पहले 5 लाख थे तो पेमेंट करने के बाद 4 लाख हो गए, हाँ, और आपको दे रखा है करंट रेशियो कितनी सर, 2:1, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। देखो, डिटरमाइन द करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वॉज मेड। वाह जी वाह, क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ध्यान से मेरी बात सुन लो, ये बोल रहे हैं कि हमें बताओ पेमेंट करने के बाद करंट लाइबिलिटी कितनी है, अच्छा ठीक है, पेमेंट करने से पहले कितनी है, अच्छा, और वर्किंग कैपिटल भी बताओ, आसान है। देखो अब मेरी बात सुनो सर, पेमेंट करने के बाद तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, कैसे सर, देखो करंट रेशियो आपको पता है, आपको करंट एसेट पता है, बिल्कुल पता है, तो करंट लाइबिलिटी आ जाएगा, आ जाएगा, हाँ, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट कितना सर, 4 लाख, सही बात है, अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो करंट लाइबिलिटीज आपकी कितनी हो जाएगी, 2 लाख, कितनी हो जाएगी, 2 लाख। सो दिस इज आफ्टर पेमेंट, आपका क्या है ये कि भाई पेमेंट करने के बाद आपकी करंट लाइबिलिटीज 2 लाख रुपए की है, ठीक है,
यहां पे वर्किंग कैपिटल भी निकालने के लिए बोला है तो निकाल देते हैं। सर कैसे निकालते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, कैसी बातें कर रहे हो? करंट एसेट कितनी है सर? 4 लाख। करंट लाइबिलिटी कितनी है सर? 2 लाख। कितना हो गया? 2 लाख। सिंपल, वेरी सिंपल बेटा, वेरी वेरी सिंपल। अब मैंने आफ्टर पेमेंट तो निकाल लिया, अब आपसे बोला गया बिफोर पेमेंट भी निकालो। आपसे क्या बोला गया बेटा? आपसे बोला गया है कि बिफोर पेमेंट भी आपको निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या दिक्कत है? आओ देखो, बिफोर पेमेंट, बिफोर पेमेंट, ठीक है। मुझे एक बात जरा सोच समझ के बताएंगे, ठीक है। बिफोर पेमेंट आपको करंट एसेट तो पता ही है कितने है सर? करंट एसेट तो 5 लाख थे, ठीक है। क्या मैं करंट लाइबिलिटी भी निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकता हूँ। सर कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी पेमेंट करने के बाद 2 लाख की लाइबिलिटी है, पेमेंट करने के बाद आपने 1 लाख की पेमेंट करी है, तो पेमेंट करने से पहले कितनी होगी? यानी तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो। करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट आपकी कितनी है? 2 लाख। हाँ, तो मतलब 1 लाख रुपये माइनस करने के बाद 2 लाख रुपये है, हाँ या ना? अरे ये देखो यार, लो लो लो, पूरा लिखो बेटा, आप पूरा देखो देखो। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट, अब आपको समझ में आ जाएगा, है ना? आपको चाहिए प्रॉपर ऐसे लिखा हो सर, करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटी बिफोर पेमेंट। अच्छा, बिफोर पेमेंट, यस सर यस, माइनस लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटी पेड। अरे सिंपल सी बात है, हाँ या ना? बिफोर पेमेंट जितनी भी लाइबिलिटी थी माइनस जितनी आपने पे कर दी, तभी तो आएगा करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट। हाँ, अब आपको ये पता है, क्या पता है सर? 2 लाख आपको पता है कि भाई आफ्टर पेमेंट मेरी करंट लाइबिलिटी 2 लाख है। आपको ये भी पता है कि आपने पे कितनी करी है? 1 लाख। तो करंट लाइबिलिटी बिफोर पेमेंट, सर ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है? करंट लाइबिलिटी बिफोर पेमेंट माइनस 1 लाख, 1 लाख की पे करी है ना? लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ, देखो ये रहा 1 लाख की आपने पे करी है, ठीक है। तो दिस इज करंट लाइबिलिटी बिफोर पेमेंट इज 3 लाख, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, बिफोर पेमेंट इज इक्वल्स टू 3 लाख। ओ यस यस यस, ओ यस यस यस, अरे बोलो हाँ या ना, फटाफट से बोलो। बात समझ में आती है? हो गया क्लियर? बस हो गया, बोलो फटाफट से। अच्छा, वर्किंग कैपिटल भी निकालना है तो निकाल लो। करंट एसेट आपके 5 लाख के हैं, हाँ जी। 3 लाख के आपके करंट लाइबिलिटी हैं, हाँ जी। तो 2 लाख का आपका वर्किंग कैपिटल है। सिंपल बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं, बस नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर, बहुत डिटेल में समझा दिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाओ फटाफट से, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। एंड नाउ हमने करंट रेशियो के तो कर लिए अराउंड 6 क्वेश्चन, करंट रेशियो के हो चुके हैं, लिक्विड रेशियो पे थोड़ी सी नजर मारते हैं। आ जाओ, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द लिक्विड रेशियो। अब सबसे पहले तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था सर? लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला था? लिक्विड एसेट्स, हमारे लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, हाँ बिल्कुल, यस नो, ठीक है। और क्या मैं लिक्विड एसेट्स को निकाल सकता हूँ करंट एसेट का यूज करके? देखो, आपको करंट एसेट गिवन है, हाँ सर हाँ। तो लिक्विड एसेट्स ये हमने कल की क्लास में सीखा था इज इक्वल्स टू करंट एसेट, इसमें से दो चीजें अपने को हटानी होती है, माइनस इन्वेंट्रीज। क्यों हटानी होती है ये मैंने आपको कल बताया था, माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। बोलो यस और नो, ये दो चीजें मुझे हटानी होती है, ठीक है। तो करंट एसेट तो आपको गिवन है 2 लाख के, ऑल राइट। इन्वेंट्रीज आपको गिवन है 50,000 की, यस सर यस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको गिवन है 10,000 के, बस बात ही खत्म हो गई। अरे बात ही खत्म हो गई सर। ट्रेड रिसीवेबल, बेटा इसका मैं क्यों ही कुछ करूंगा, ये मेरे ऑलरेडी करंट एसेट में इंक्लूडेड होंगे, हाँ ठीक है। तो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 लाख माइनस 50 और माइनस 10, 2 लाख माइनस 60, 1 लाख 40, यस सर यस। बस आ गया सर लिक्विड रेशियो, कितना आसान है यार ये, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू 1 लाख 40, यस, अपॉन में करंट लाइबिलिटीज जो आपको गिवन है 70, आंसर इज 2:1। बोलो हाँ यार, बस क्या कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी, इसको जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखते हैं। क्या बोल रहा है ये? करंट लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 6 लाख। अच्छा,
करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है बेटा 6 लाख की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करंट रेशियो गिवन है, लिक्विड रेशियो गिवन है, और आपको इन्वेंट्री निकालनी है। सर ये कैसे होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हो जाएगा। कैसे सर? देखो देखो देखो, आप करंट लायबिलिटी गिवन है, हाँ जी गिवन है, तो देखो ध्यान से मेरी बात। अगर मैं करंट रेशियो की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, यही होता है। हाँ सर हाँ, करंट रेशियो आपको दे रखिए 3:1, मतलब 3। करंट एसेट मुझे नहीं पता, लेकिन करंट लायबिलिटी मुझे पता है 6 लाख की। बोलो हाँ या ना? हाँ सर हाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या मेरा यहाँ से करंट एसेट निकल जाएगा? कितना आ जाएगा सर? 18 लाख बिल्कुल निकल जाएगा सर, इसमें क्या ही दिक्कत है। करंट एसेट निकल जाएगा, हाँ ऑफकोर्स निकल जाएगा। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली हमारा लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा लिक्विड रेशियो होता है लिक्विड एसेट्स है ना अपॉन में करंट लायबिलिटी। कितना दे रखा है आपको? 1:1, मतलब सिंपली 1। करंट लायबिलिटी कितना है? 3 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब लिक्विड एसेट्स कितने हो गए? कितने हो गए? 3 लाख के। यस सर यस। अरे हो गए या नहीं हो गए आप ही बताओ बेटा, हो गए या नहीं हो गए? यस सर यस हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ठीक है राइट। देखो देखो देखो, अच्छा वेट वेट वेट, 3 लाख नहीं है बेटा, 6 लाख है। अरे तुम्हारी नज़र कहाँ पे है भाई? करंट लायबिलिटी 3 लाख नहीं है, 6 लाख है सर, 6 लाख। ओके, तो लिक्विड एसेट्स कितने हो गए? 6 लाख। यस हाँ सर हाँ, ये बात तो सही है, ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे इन्वेंट्री निकालनी है, कैसे निकालेंगे? बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है सर, वो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है। अब ध्यान से मेरी बात सुन लो, ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा? कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। क्या मानूंगा? कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है राइट। ये अजम्पशन आपको लेके चलना पड़ेगा कि भाई अगर आपको इन्वेंट्री निकालने के लिए बोला है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं होंगे, नहीं तो उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन होती नहीं गिवन, ठीक है सर। तो सिंपल सी बात है सर, ये तो हमको पता ही है कि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स, ये तो सबको पता है। हाँ सर ये तो हमको पता ही है। करंट एसेट्स आपके 18 लाख के हैं, ठीक है। तो 18 लाख में से अगर मैं लिक्विड एसेट को माइनस कर दूंगा, ये वहां चला जाएगा, लिक्विड एसेट्स को माइनस किया तो क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री। यस सर यस। तो बेटा इन्वेंट्री कितनी आ गई हमारी? 12 लाख रुपीज। हाउ मच? 12 लाख। ओ भाई साहब बहुत इन्वेंट्री है। यस सर यस। हाँ यार देखो देखो ध्यान से एक बार फटाफट से दोबारा देखो, हमने किया क्या सर? आपको करंट लायबिलिटी गिवन है, हाँ सर हाँ हमको गिवन है 6 लाख रुपीज की। करंट आपको करंट रेशियो गिवन है, तो आपने आसानी से करंट एसेट निकाल लिए। अगर करंट रेशियो पता है, करंट लायबिलिटी पता है, तो इसका मतलब करंट एसेट आ गए 18 लाख के। अब लिक्विड रेशियो पता है, अब लिक्विड रेशियो अगर आपको पता है और करंट लायबिलिटी भी पता है, तो लिक्विड एसेट आ जाएंगे कितने आ गए? 6 लाख के। अब दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है वो इन्वेंट्री का होता है। आपसे इन्वेंट्री पूछी गई है, दोनों को माइनस किया, इन्वेंट्री आ गई। आसान है या नहीं खुद बताओ? हाँ सर हाँ। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए। देखो हाँ जी, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बैलेंस शीट स्टार्टिंग में बताई थी वो अब यहाँ पे यूज होगी, और अब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो आपको यहाँ पे करंट रेशियो भी निकालनी है और क्विकर रेशियो भी निकालनी है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आराम से करते हैं, पहले करंट रेशियो पे फोकस करते हैं, ठीक है। क्विक रेशियो अपने आप निकल जाएगी। करंट रेशियो के लिए मुझे करंट एसेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। आराम से क्वेश्चन को देखो, क्या आपको डायरेक्टली कुछ गिवन है? देखो टोटल डेट, अब इसका मतलब क्या था सर? इसका मतलब था यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख लो कि भाई नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। टोटल एसेट्स, अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर आपको जीरो से कंफ्यूजन हो रही है, वेट, मैं ये थोड़ा सा इसको ठीक करता हूँ। हाँ राइट, अगर आपको दे रखा है टोटल डेट 12 लाख, टोटल एसेट्स 16 लाख, सोचो क्या निकल सकता है। मैं क्वेश्चन आंसर क्या आएगा वो छोड़ो, लेकिन हम देखते हैं फॉर्मूले से क्या क्या निकल सकता है। टोटल एसेट्स आपको पता है राइट, टोटल डेट आपको पता है, ठीक है, आएंगे उस पर, आ जाओ। फिक्स एसेट्स आपको दे रखे, टेंजिबल फिक्स एसेट्स आपको दे रखे, ठीक है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। क्या दे रखिए? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी दे रखे, हाँ सर हाँ दे रखे राइट। बेटा मुझे एक बात बताओ, ये तीनों को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने आपको बता रखा है कि भाई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट। ये सुनो, अगर सिर्फ ये लिखा हो लॉन्ग टर्म लोन्स तो वो लाइबिलिटी है, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपका एसेट है, कि आपने किसी को एडवांस दिया हुआ है। यस सर यस, ठीक है, ये आपके एसेट्स है। ये कौन से एसेट्स है सर? नॉन करंट एसेट्स।
अब बेटा अभी तक तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए था क्या कि भाई नॉन करंट एसेट्स आपको गिवन है, आपको टोटल एसेट्स गिवन है, क्या करंट एसेट आ सकते हैं? हाँ या ना, बस यही तो सोचना है कि भाई टोटल एसेट गिवन है, हाँ सर गिवन है, और नॉन करंट एसेट गिवन है, हाँ सर हाँ वो गिवन है, तो क्या करंट एसेट आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन है, अच्छा ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी गिवन है, वाह। तो भाई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्या मैं बोल सकता हूँ कि नॉन करंट लाइबिलिटी है? हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या है सर? नॉन करंट लाइबिलिटी। अब मुझे बताओ बेटा, अगर आपको टोटल डेट दे रखे है, राइट, आपको नॉन करंट लाइबिलिटी दे रखी है, तो क्या करंट नहीं निकल सकती? बात तो सही कर रहे हो सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो बस वही तो बोल रहा हूँ मैं, वही बैलेंस शीट ध्यान रखो बस। देखो सबसे पहला अगर मैं देखूँ तो भाई टोटल डेट का मतलब क्या था, ये हमने पहले ही समझ लिया सर। टोटल डेट का मतलब है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस आपका करेंट लाइबिलिटी, करेक्ट। तो टोटल डेट आपका 12 लाख रुपए है, ठीक है, और नॉन करेंट लाइबिलिटी में आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखा है 4 लाख, और आपको दे रखा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना सर? 4 लाख, करेक्ट है सर, करेक्ट है, यस नो? हाँ, प्लस करंट लाइबिलिटी तो निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा बेटा, अब तो निकल ही जाएगा। देखो 4 लाख 4 लाख 8 लाख, 12 लाख में से 8 लाख गए, अगेन 4 लाख, तो करंट लाइबिलिटी विल बी 4 लाख, इजी, वेरी वेरी इजी। अब आते हैं एसेट्स पे, देखो आपको टोटल एसेट पता है, ऑफ कोर्स पता है, और आपको नॉन करंट एसेट दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, क्या करंट एसेट निकल जाएंगे? ऑफ कोर्स निकल जाएंगे सर, ऑफ कोर्स। आ जाओ भाई आ जाओ, फिर फटाफट से आ जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? देखो 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 फटाफट से देखो, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स, राइट, प्लस करंट एसेट्स, बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो, हाँ जी हाँ जी, टोटल एसेट्स कितने हैं सर? टोटल एसेट्स इज कितने हैं? 16 लाख, टोटल एसेट्स वुड बी 16 लाख, करेक्ट। नॉन करंट एसेट्स 6 लाख आपके ये हो गए, हाँ जी, 1 लाख आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, और ये हो गया 1 लाख, कितना हो गया? 8 लाख, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया 8 लाख, ओके, प्लस आपका करंट एसेट, तो आपका करंट एसेट भी आ गया कितना? 8 लाख, अरे बोलो, हाँ सर हाँ, ईजी, वेरी ईजी बेटा, ठीक है, हाँ जी। तो इसका मतलब सर हमारी करंट रेशियो तो निकल ही गई, ये दोनों वर्किंग नोट का पार्ट है। अब आते हैं मेन आंसर पे, यहाँ पे लिखना वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, राइट। करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट आपको दे रखे कितने के? 8 लाख के दे नहीं रखे, मतलब निकाले हैं भाई हमने निकाले, करंट लाइबिलिटीज हम कितने की दे रखी है? 4 लाख की। आंसर इज 2:1, क्या सबका आंसर 2:1 होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद सर हमें क्या निकालना है? लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, क्विकर आ जाओ, क्विक रेशियो, ठीक है, क्विक एसेट्स अपॉन में क्विक लाइबिलिटी, क्विक एसेट्स अपॉन में क्विक लाइबिलिटीज। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, आपको अगर करंट एसेट पता है, करंट एसेट पता है, हाँ, अब उसके बाद आपको बेटा यहाँ पे इन्वेंट्रीज भी दे रखी है, प्रीपेड एक्सपेंसिस भी दे रखे हैं, और क्या चाहिए? प्लेट में सजा के दिया हुआ है, खा लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो 8 लाख आपके करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज 1,90,000, 1,90,000, देखो फॉर्मूलेस आपको लिखने ही है, राइट, मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, माइनस टेन थाउजेंड, दिस इज आपके क्विक एसेट्स, करंट लाइबिलिटी तो वही रहेगी 4 लाख, 8 लाख में से ये हो गया 2 लाख, कितना चला गया? ये आ गया 6 लाख, 6 लाख अपॉन में 4 लाख, हाउ मच वुड इट वुड बी? भाई सिंपल, 6 / 4 कर दोगे, ये सबको पता है, 1.5 आ जाएगा, 1.5:1। अरे बोलो ना, क्या मुश्किल था? नहीं बेटा, और सारे ही रेशियोज ऐसे हैं जहां पे आपको बस बेसिक फॉर्मूले खुद बनाने पड़ेंगे, जैसे ये वाला फॉर्मूला हो गया, राइट, ये वाला फॉर्मूला हो गया, तो इनको याद थोड़ी करना है, बैलेंस शीट आती है ना, बस। बात समझ में आ गई? यस और नो, सिंपल। आ जाओ फटाफट से आज का लास्ट क्वेश्चन, आ जाओ जरा आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन में हमें काफी कुछ सीखना भी पड़ेगा। आओ, हमने अच्छा क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ा? नहीं बेटा, सारे अच्छे क्वेश्चन थे। देखो, हाँ जी, इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन समझते हैं इसको। देखो क्या बोला आपको, टोटल एसेट्स 11 लाख रुपीज, ओके, फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख रुपीज, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपए। अब उसके बाद एक लाइन लिखी है, देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्यों लिखी है ये लाइन, क्या जरूरत थी इनको लिखने की? ठीक है, सबसे पहले बेटा हम यहां पे क्या समझेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या समझेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड, बिल्कुल सर, बिल्कुल,
बिल्कुल समझेंगे बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, बोलो हाँ या ना। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ? ऑफ कोर्स पढ़ा चुका हूँ, राइट, बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ सर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? सीख चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है। अब मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो भाई। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूलेस थे, क्या फॉर्मूलेस थे देखो फटाफट से आओ। एक यहाँ पे मैंने लिखा, एक हमारा लाइबिलिटी साइड वाला फॉर्मूला, ठीक है। या ऐसा छोड़ो ना, अरे फॉर्मूलेस वॉर्मूलेस खुद बनाएंगे, आओ बेटा आओ, हम खुद बनाएंगे सर, खुद बनाएंगे। मैंने क्या बोला, सारे फॉर्मूलेस बैलेंस शीट से निकालेंगे। देखो जब क्योंकि बात ही सारे बैलेंस शीट की है, तो बैलेंस शीट से निकालो सर। ओके, यहां मैंने लिखा शेयर होल्डर फंड्स, क्या लिखा सर, शेयर होल्डर फंड्स। यहां मैंने लिखा नॉन करंट लाइबिलिटी और यहां लिखा करंट लाइबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां लिखा नॉन करंट एसेट, ठीक है, यहां लिखा करंट एसेट, ओके। और नीचे आ जाएगा टोटल, क्या आ जाएगा सर, नीचे आ जाएगा इसका टोटल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज टोटल एसेट्स, हाँ सर हाँ, दिस इज टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ऑल राइट। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? देखो दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो मुझे पैसे चाहिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए मेरे पास जो फंड्स हैं, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जरा ध्यान से समझते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि भाई आपने कहाँ कहाँ से पैसा उठा रखा है, अपने बिजनेस में लगा रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, आपने कहाँ कहाँ से पैसा बोरो कर रखा है अपने बिजनेस में। कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा यार ये तो बचपन में पढ़ा हमने, बचपन में कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये सब चीजें पढ़ी थी, हाँ सर हाँ। कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, वही सब चीजें हैं और कुछ नहीं है। देखो देखो देखो, तो मैंने क्या बोला, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि भाई आपने जो टोटल पैसा, टोटल फंड्स अपने बिजनेस में लगा रखे। और क्या फॉर्मूला होगा, शेयर होल्डर फंड्स, जो पैसा आपने अपने ओनर्स शेयर होल्डर से उठा रखा है, ये सुनो, शेयर होल्डर फंड्स। और नॉन करंट लाइबिलिटी, जो पैसा आपने बाहर वालों से ले रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, ये सुनो, बोलो फटाफट से, ये है बेटा लॉन्ग। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड किसके लिए होता है सर, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए क्या बोला, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्या होगा, शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लाइबिलिटी। देखो सिंपल सी बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया, जो मैंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, मीनिंग आप समझते नहीं हो, आपको याद करना बस। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हो गया कि भाई जो पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। मैं ऐसा क्यों बोलूं कि लॉन्ग टर्म के लिए, ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म भी आ जाएगा इसमें और लॉन्ग टर्म भी आ जाएगा। मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, मैं सिंपली बोलता हूँ जो पैसा, जो फंड्स, अमाउंट ऑफ मनी जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ सर हाँ। अब उसके लिए आप उस उन पैसों से अगर आप डेली जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं वो कंडक्ट कर रहे हो तो भी ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो वो भी ठीक है, वो आपकी मर्जी है। मतलब क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का, कि आपने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, यही तो पैसा है भाई हमारा, मेन फंड्स तो यही है। एक जो पैसा आपने शेयर होल्डर से उठाया, बिल्कुल सही, शेयर कैपिटल हो सकता है, राइट। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब क्या हो गया, जो पैसा आप खुद कमा रहे हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी तो बेटा है तो शेयर होल्डर फंड्स का ही, जो आपने अभी तक बांटा नहीं हुआ, हाँ सर हाँ। और नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब जो आपने बोरिंग्स कर रखी है लॉन्ग टर्म, राइट, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इसका मतलब सर जब मैं ये दोनों प्लस कर दूंगा तो क्या वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, हाँ सर हाँ, वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। बात समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल सही, सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब दूसरा फॉर्मूला कैसे बन सकता है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती है, क्या होती है सर, दोनों साइड इक्वल। तो बेटा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इन सब का टोटल ले लूँ, मतलब टोटल एसेट्स, और उसमें से माइनस कर दूँ करंट लाइबिलिटी, तब भी सेम आएगा। मैंने क्या बोला यार, मैंने क्या बोला, देखो आपने पहला फॉर्मूला सिंपली क्या निकाल लिया, शेयर होल्डर फंड्स, हाँ सर हाँ, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है, हाँ। अब बेटा आपको पता है एक बात, क्या पता है, हम एक फॉर्मूला पढ़कर आए हैं कि भाई प्लस करंट लाइबिलिटी, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया टोटल इक्विटी लाइबिलिटीज, ये किसके इक्वल होता है, टोटल एसेट्स के, सर ये टोटल एसेट्स के भी तो इक्वल होगा, हाँ सर हाँ, वही फॉर्मूला है बेटा। देखो 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 देखो, अगर मैं शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी तीनों को प्लस कर दूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के, जो किसके इक्वल होता है, टोटल एसेट्स के, सिंपल सी बात है, हाँ सर सिंपल सी बात है। तो ये इसके इक्वल होगा, हाँ। तो बेटा अगर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला ये है,
शेयर होल्डर फंड्स प्लस एनसीएल, क्या है सर? शेयर होल्डर फंड्स प्लस एनसीएल। तो दूसरा फॉर्मूला सिंपली क्या बन गया कि आपके बिजनेस में जो एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सिंपल सी बात है। अब अगर मैं देखूं तो इसका और मीनिंग क्या हो सकता है? टोटल एसेट्स में आपका क्या हो गया? नॉन करंट एसेट, जो आपने अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। हाँ सर, हाँ। प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यस और नो? यही हो गया। तो बेटा नॉन करंट एसेट और सी ए माइनस सी एल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। देखो देखो बेटा देखो, दुनिया भर के फॉर्मूले बन सकते हैं और आपके बुक में तो कुछ कुछ दिए भी नहीं हुआ, मैं तो कितने मर्जी बना सकता हूं। देखो, नॉन करंट एसेट मतलब अपने लॉन्ग टर्म एसेट में जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, और वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो आपके पास पैसा है, यही तो है कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझ में आई? तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो देखा ही नहीं मैंने, समझ में आ गया फॉर्मूले कैसे बनते हैं? याद करने हैं। क्यों करने हैं याद बेटा? आप अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो, कितना कुछ याद करोगे यार? एक स्टूडेंट क्या क्या याद करता है? इकोनॉमिक्स याद करनी है, बिजनेस स्टडीज याद करनी है, इंग्लिश भी याद करनी है, फिर अकाउंट्स भी याद करोगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये हमारा हो गया। फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। देखो क्या क्या गिवन है सर, टोटल एसेट आपको गिवन है, हाँ, आपको फिक्स्ड एसेट गिवन है और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। और ये क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो, देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बोलने की जरूरत इसको क्यों पड़ी भाई? ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि बेटा सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स, हाँ सर हाँ, प्लस करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट में आपको पता है फिक्स्ड एसेट भी आते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आता है, ये सब चीजें आती हैं। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर, बात तो सही कर रहे हो आप कि सर ये सब चीजें आती हैं, कि भाई नॉन करंट एसेट भी आ गया और करंट इन्वेस्टमेंट भी आ गई। तो मेरी बात सुनो, देखो इसका मतलब क्या हो गया सर, नॉन करंट एसेट में अब सिर्फ फिक्स्ड एसेट ही है, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया देयर वर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गई बात, राइट? तो देखो टोटल एसेट आपका 11 लाख का है, टोटल एसेट आपका 11 लाख का है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स कितने के है? इसका मतलब 5 लाख के, ओके। प्लस करंट एसेट, तो करंट एसेट आपका आ जाएगा कितना? 6 लाख। कितना आ गया सर? 6 लाख, हाँ। अब बात यह है कि करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी, मैं बताऊं कैसे निकलेगी, ध्यान से मेरी बात सुनो, आराम से निकल जाएगी। कैसे? अभी आपने एक फॉर्मूला निकाला, क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, हाँ सर हाँ, माइनस करंट लायबिलिटी। अरे हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है कितना? 10 लाख। टोटल एसेट्स आपको गिवन है 11 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी। बोलो यस और नो? अरे हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, देखे तो करंट लायबिलिटी कितना आ गया सर आपका? 1 लाख, बस हो गया। तो करंट रेशियो इज कितनी आ गई भाई? करंट रेशियो हमारी कितनी आ गई बोलो ना प्लीज। तो करंट रेशियो वुड बी 6 लाख अपॉन में 1 लाख इज इक्वल टू 6:1। बोलो हाँ या ना? अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपकी बुक से आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। मैंने जो आपको क्वेश्चंस करवाने थे वो करवा दिए, सुन लो ध्यान से। अभी इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन होते हैं कि आपको करंट रेशियो गिवन होगा, आपको कुछ ट्रांजेक्शंस गिवन होंगी और वो कहेंगे बताओ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन जो है ना, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? हो सकता है वो मैं लाइव क्लास लूँ उसकी, राइट? उसमें क्या करेंगे, जितने भी रेशियोज हैं, अब सारी रेशियो में वो क्वेश्चन होते हैं, हर रेशियो के लिए वो क्वेश्चन होते हैं, हम सारी रेशियोज करने के बाद सारी रेशियोज का इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ कर लेंगे। उससे क्या होगा, रेशियोज रिवाइज भी हो जाएंगी और वो उन क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब बात समझ रहे हो? आई होप आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको मजा आया होगा। अगर हाँ तो आपको क्या करना है बेटा, क्या करना है आप बताओ मुझे, क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, हाँ जी, कमेंट करके बताओ वीडियोस कैसी लग रही है, सिलेबस खत्म होने वाला है यार, ये सुनो सिलेबस खत्म होने वाला है, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, ठीक है? मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।